हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पेपर फ्लावर बनाने जा रही हूँ। ये जो मैंने पेपर लिया है वो एक प्लेन नोटबुक का वाइट पेपर है। तो चलो लगाएं कुछ तिकड़म एंड लेट्स हैव सम फन। पहले हम इस कागज़ को चौकोर आकार में काट लेंगे और फिर इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब पंखुड़ी के आकार में हम इसे काट लेंगे। और ये बन गई हमारी पंखुड़ी। कितनी सुंदर है ना? ऐसी ही हमें 3 पंखुड़ियां लगेंगी एक फूल बनाने के लिए। अब हम एक लकड़ी की मदद से इसे थोड़ा आकार दे देंगे। अब हमें एक येलो कागज लगेगा पोलन बनाने के लिए। पहले हम इसकी पतली स्ट्रिप काट लेंगे और फिर इस तरह फोल्ड करके छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कुछ इस तरह। अब हम इसे भी थोड़ा रोल कर लेंगे ताकि आगे हमें इसे चिपकाने में आसानी हो। अब हम एक हरे कागज का स्ट्रिप काटकर इस स्टिक पर चिपका लेंगे। कुछ इस तरह। अब क्या, बस पंखुड़ी को स्टिक में डालें और चिपका लें। अब पोलन को भी ग्लू के मदद से चिपका लें। अब क्या बचा? पत्ता। तो एक हरा कागज लेकर इसे पत्ते के आकार में काट लें। अब एक स्टिक के मदद से इसे आकार दे दे। लग रहा है ना एकदम असली पत्ते जैसा। अब बस इसे फूल के नीचे चिपका ले और ये देखिए कितना सुंदर फूल तैयार हो गया है ना, एकदम डेजी के फूल जैसा। पर इतने प्यारे फूल को रखने के लिए एक वास भी तो चाहिए होगा, तो वास बनाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो को आप मिस ना करें। थैंक यू।